Camera. 21:6, take one. And action. हेलो भाई साहब, सिक्योरिटी ऑफिसर बोल रहे हो आप? यहाँ बंदर आ चुके हैं, जग्गू को भेज दो। एड्रेस नोट कराएं जी, E3। मैं आपके पास जो है रईस और जग्गू को भेज रहा हूँ बंदर भगाने के लिए। रईस ई गंगा में हाउस कैंपस में बंदर आ गए हैं, आप जो है जग्गू को लेकर वहाँ बंदर भगाएं। एक समय था जब मैं शहर से बहुत दूर रहता था। फिर कुछ समय एक मदारी के साथ भी बिताया। नाचना तो उसने ही सिखाया था, लेकिन समय से भी तेज भागना आप लोगों ने सिखाया। इस भाग दौड़ का एक फायदा तो ये भी हुआ कि मुझे रईस मिल गया। अरे भाई, आप इधर उधर कहाँ देख रहे हैं, मैं यहाँ हूँ। आप लोगों की तरह मेरा भी दिन ऑफिस के लिए फटाफट तैयार होने से गुजरता है। आपको यकीन हो ना हो, मैं भी आप लोगों की ही तरह नौकरी करता हूँ और भागता रहता हूँ, भागता रहता हूँ। आज का विकसित मानव भले ही ये समझता है कि वो मेरे जैसे पेड़ वाले पूर्वज से काफी आगे हैं, पर क्या सचमुच में ऐसा है? यहां बस की छत पर बैठने वाला मैं अकेला ही हूं। शायद यूपी बिहार में होता तो और लोग मिल जाते। तो जनाब, जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है, कभी जमीन कभी आसमान पर, और कभी जमी आसमां दोनों पर। रास्ता है कह रहा अब तुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे, ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे। खैर साहब, कोई बात नहीं, मेरी शक्ल ही ऐसी है। मेरी शक्लो सूरत भले ही डरावनी है, लेकिन मेरी शख्सियत, मेरी पूंछ जितनी ही लंबी और सीधी है। ये बेताबी किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। मैं इस इलाके में घूमता रहता हूँ, मेरे रहते कोई बंदर इस इलाके में आ नहीं सकता, इस बात की पूरी गारंटी है। आप पूछेंगे कैसे? अरे जनाब, इस इलाके का प्रखंड विकास पदाधिकारी मैं ही तो हूँ। जिंदगी के इन रास्तों पर मेरी और रईस की यही फिलॉसफी है, खट्टे मीठे पलों को साथ लेकर जिंदगी चलती रहती है। और सच मानिए, मैंने और रईस ने यही सीखा है कि जिंदगी को इसके फुल फॉर्म में जीना चाहिए। और शायद इन्हीं कारणों से जिंदगी हमारे लिए रोज एक नए रंग लेकर आती है। कहते हैं ना कि जिंदगी हर रोज एक नए रंग में ढल जाती है, कभी दुश्मन तो कभी दोस्त नजर आती है।
ये खाने को सब कुछ खा लेता है, रोटी है, केला है, प्याज है, आलू है, बैगन है, भाटा है, फूल गोभी है, टमाटर है। वैसे तो मैं और रईस दोनों ही घुमक्कड़ हैं, कभी इस गली तो कभी उस गली, कभी इस पेड़ तो कभी उस पेड़। अक्सर मैं पेड़ के ऊपर आराम करता हूं और वो पेड़ के नीचे आराम करता है, और कभी कभी हम दोनों ही किसी पेड़ की छांव में झपकी ले लेते हैं। बंदर आते हैं, इस बंदर को भगाने के लिए रखा गया है, कि उसको चेहरे को देख के बंदर डरते हैं, फिर बंदर भाग जाते हैं यहाँ से। ये पिटाई करता है बंदरों की, बंदरों की पिटाई कर देता है, बंदर खुद ही भागना शुरू हो जाते हैं, फिर दोबारा बंदर आते नहीं है, क्योंकि ये दांत दिखाने लग जाता है। बंदर बोलता है तो मुझसे ज़्यादा खतरनाक है, कि बंदर दोबारा भागने लग जाते हैं। हेलो भाई साहब, सिक्योरिटी ऑफिसर बोल रहे हो आप? यहाँ बंदर आ चुके हैं, जब उनको भेज दो, यहाँ हुदम मचा रहे हैं। मैं आपके पास जो है रईस और जग्गू को भेज रहा हूँ बंदर भगाने के लिए। हेलो भैया, रईस ई गंगा में हाउस कैंपस में बंदर आ गए हैं, आप जो है जग्गू को लेकर वहाँ बंदर भगाएं। हाँ हेलो, मैं जल्दी आ रहा हूँ, मैं जल्दी जा रहा हूँ। मैं इस गर्मी में थोड़ा सुस्त हो जाता हूं, फेरे कम लगाता हूं, जहां छांव देखता हूं वहीं बैठ जाता हूं। इसके लिए मुझे रईस के कुछ डायलॉग भी सुनने पड़ते हैं। सर जग्गू बहुत चालू बहुत है, वो सोचते हैं मेरा पेट भरे, दुनिया को नहीं खिलाना चाहिए, सिर्फ मुझे खाना चाहिए। जग्गू ऐसे ही है भाई साहब, जग्गू खाएगा और हमारे तुम्हारे को देगा नहीं। आदमी नीचे वाला तो ललचाएगा, बोलेगा भाई मुझे मिल जाए, मैं भी खा लूँ, मगर वो देगा ही नहीं तो खाएगा क्या आदमी। जग्गू ऐसे ही है भाई साहब, वो खुद खाता है मगर किसी को देता नहीं है। आप बोलोगे गिराओ, वो गिराएगा ही नहीं, वो उतर जाएगा जब उसका पेट भरेगा। बहुत चालू है भाई साहब जग्गू। मुझे दूर से चाहने वालों की कमी नहीं है, लेकिन पास आते ही लोगों की नानी याद आ जाती है। आठ हजार उसकी तनख्वाह है, हमारे को 5,000। मैं खुद को फिल्मिया हीरो के आभासी खांचे में ढालता हूं, बस कह नहीं पाता, रह जाता हूं। अपने बारे में मैं क्या बताऊं भाई साहब, बताइए आप ही। बचपन में मैंने आज तक आके नौकरी ढूंढा था, तो मेरे को नौकरी नहीं मिली, मुझे लंगूर की नौकरी मिली भाई साहब। सपना में नौकरी करते हैं, मैं मेरे को किसी भाई साहब ने बोला था भाई नौकरी करोगे, तो मैंने बोला जी सर कर लूँगा नौकरी, मुझे नौकरी करने में कौन सा इतरार है। तो बोला भाई लंगूर के अपना बंदर भगाने की नौकरी कर लो, मैं जी सर कर लूँगा। तो फिर मैं आके लंगूर पर ही लग गया था, लंगूर पर आके लग गया जब से, फिर जब से मैं नौकरी करता रहा। सुबह आता हूँ 7 बजे, फिर शाम पे चला जाता हूँ 3 बजे,
लिखा पढ़ा तो आज तक बिल्कुल नहीं है। अगर बचपन में आज तक पढ़ाई करा होता तो पढ़ा होता, मगर क्या करे हमने पढ़ाई ही नहीं करी। पढ़ाई करता होता तो अपना पढ़ाई में ही लगा रहता दिल। अब पढ़ाई जब से किया नहीं, अब बात भी तो है भाई साहब, पढ़ाई मैंने इसीलिए नहीं हुई कि अब गरीब के गरीब इंसान जब जन्म लेता है ना तो ऐसे ही रहता है। ज़िंदगी में क्या खोया ऐसे, मैं चाहता हूँ नौकरी करने को चाहता हूँ, कोई नौकरी करूँ तो अच्छा रहता है। ऐसी ही नौकरी है और इससे कोई अच्छी नौकरी? नौकरी अगर अच्छी भी मिल गई दिल लगा के तो दिल लगा के भी नौकरी करूँगा मैं। ये थोड़ी मिल जाए नौकरी, जो उनसे मिल जाए मैं कर लूँगा। नौकरी करने में कोई शर्म नहीं है, सिर्फ आदमी को काम करना चाहिए, मेहनत, और मेहनत सबसे बड़ी चीज़ होती है। सिर्फ आदमी को काम करना चाहिए, मेहनत, और मेहनत सबसे बड़ी चीज़ होती है। कि अब गरीब इंसान जब जन्म लेता है ना तो ऐसे ही रहता है।